बस कुछ ही घंटे और बचे एंड मुकेश के बड़े भैया ने मुझे बिन बुलाए मेहमान बारात में बुला दिया है। इन लोग को घर से बुलाया था किसी एक जन को, सो भैया मुझे भी लेकर आ गए हैं। अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं, वैसे घर पर खाना है बट भैया ने बोला यहाँ पर शादी में जाते मेरे साथ आ जा खाना खा के आते आते पहले गुलाब जामुन खाएंगे। वैसे शादी ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है, घर के दूसरे साइड में। सो ये शादी नहीं है, तिलक है एंड घर के अपोजिट साइड में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो खाने में चिकन राइस एंड तंदूरी रोटी है। मैं थोड़ा लेट हो गया, भूख लगी थी, फटाफट खाने के चक्कर में मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। डिनर तो हो चुका है, अब चलते हैं मुकेश के सारे रिलेटिव्स को मिलने के लिए। मुकेश की चाची को जो कि राहुल की मम्मी है एंड उनके फैमिली को, प्रमोद की फैमिली को एंड देन धर्मचंद की फैमिली को भी मिलना है। तो सबको मिलकर आते, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट में फटाफट सबको मिल लेंगे। सबसे पहले राहुल के घर पर जाते, आई थिंक सब लोग सो गए, दरवाजा बंद किया था। हाँ। क्यों? आंटी किधर है? हे आंटी आई है। अच्छा आज जा रहे भैया? हाँ अब भी जा रहा थोड़ी देर में। अच्छा मम्मी, राहुल कहाँ पे? राहुल सो गया क्या? राहुल है, मम्मी भैया है, सब सो गए। अरे नहीं नहीं मत उठा मत उठा, राहुल भैया है, जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं। आंटी आपको मैंने नींद से उठा दिया, सॉरी। मैंने सोचा जा रहा हूँ तो आपको मिल के जाता हूँ। चलो आंटी मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू मेरे को इतना देखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। ये तो सो गया, ये कौन है? मामा है। अरे मामा है। खाना खा लो। नहीं आंटी हम लोग खाना खा के आ गए, अभी जा रहे हैं। नहीं नहीं अंकल को मत उठा, जाने दो। नहीं नहीं जाने दो जाने दो। चलो आंटी मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम, देखता हूँ। थैंक यू। भगवान बढ़ाओ ले रहा हूँ आपको। प्रमोद की शादी में? हाँ प्रमोद की शादी में आऊंगा। हाँ हाँ आई हाँ हाँ हाँ। गांव में तो सारे के सारे सो गए, मैं राहुल के घर पे गया, मैंने सभी को डिस्टर्ब करके उठा लिया एंड प्रमोद के घर पे नहीं जाना था बट भाई पहले चले गए थे एंड भाई ने अंकल को उठा लिया था। बट फिर भी अंकल काफ़ी नींद में थे सो मैं अंकल को तो नहीं मिल पाया, आधे लोगों को नहीं मिल पाया बट जितना भी था मैं यहाँ पर रह के सभी के साथ मैंने मजे किए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, सभी को मैं मिस करूँगा। तो फाइनली सबको मिलकर हो चुका है, जितने भी जन थे मैंने सभी से मिल लिया, अब चलते हैं घर पर एंड रेडी होना है। चलो आंटी जी बाय, भाभी बाय बाय, अंकल बाय, थैंक यू। इट्स 11:44 एंड फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से। वैसे हमें 11 बजे निकलना था, टाइम के हिसाब से हम लोग काफ़ी लेट निकल रहे हैं, आई होप सो हम लोग टाइम पे पहुंच जाए। वैसे गाड़ी तो अच्छी खासी चल रही है, फास्ट चल रही है बट सेफली और टाइम पे पहुंच जाए क्योंकि 2 बजे का ट्रेन है, मिस नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं मुकेश के घर वाले से सभी से नहीं मिल पाया क्योंकि सब लोग सोए थे बट दोपहर को मैं सभी से मिल चुका था, तो अभी सिर्फ मुकेश की मम्मी पापा और भाभी से मिलकर आया हूं एंड मुकेश का भाई जो कि बड़ा भाई है वो मेरे साथ ही आ रहे मुझे छोड़ने। फाइनली रीच टू बक्सर स्टेशन, हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच चुके, 1 घंटा 20 मिनट बचा है मेरे पास, तो अभी फिलहाल यहाँ पर उतर कर चाय पीते और फ्रेश होते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। चाय भी पी लिया, फ्रेश भी हो गए, स्टिल हमारे पास अभी भी 50 मिनट्स बचा है, तो अभी हम लोग गाड़ी के पास आए, गाड़ी के अंदर बैठ रहे क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत ठंडी है। स्टेशन के बाहर तो हम लोग 1 घंटे से भी काफ़ी जल्दी आ चुके थे बट जब अंदर आना था तो आधा घंटा पहले हम लोग निकले एंड अंदर आ रहे थे। आते ही मुझे डर लग गया, शॉक हो गया मैं, जैसे मैंने बोर्ड को देखा वहाँ पर ट्रेन का नंबर ही नहीं था एंड आई वॉज शॉक कि ट्रेन है कि नहीं, आज मैं गलत टाइम पर गलत दिन पर तो नहीं आ गया। सो मैंने चेक किया, इंक्वायरी सेंटर में जाना पड़ा, वहाँ पर जाके पता किया कि ये ट्रेन का नंबर है ही नहीं, यहाँ पर बोर्ड में दिखा रहा ही नहीं है, कुछ और दिखा रहा है। सो उन्होंने बताया कि ट्रेन का नंबर चेंज हो गया है। सो फाइनली वी आर एट द प्लेटफॉर्म, बस ट्रेन का वेट कर रहे, ट्रेन अभी आने वाली है। मैं तो पूरा का पूरा डर गया था, मुझे लगा आज ट्रेन छूट जाएगी या तो आज ट्रेन नहीं है। सो फाइनली टाइम पे पहुँच गए हम लोग एंड यहाँ पर प्लेटफॉर्म में रुके हुए। ट्रेन आ चुके हैं, अब अंदर जाते हैं, डायरेक्ट सोना है, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। सो ये रही मेरी सीट, काफी अच्छी मिली है साइड वाली। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स 8:58
एंड फाइनली मैं उठ चुका हूँ। अभी इससे आगे ज्यादा मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर शोर हो रहा है। इट्स बेटर कि फटाफट जाके फ्रेश अप हो जाता हूँ। वैसे नाश्ता भी लाया है तो फटाफट नाश्ता भी करेंगे। तो आज नाश्ते में पराठा और अचार है जो कि मुकेश की भाभी ने बनाया था। नाश्ता तो ला लिया बट एक दिक्कत है, प्लेट में लाया तो मैं किस में खाऊंगा वही सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले जाके फ्रेश अप हो जाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। काफी टाइम से रुका था प्लेट के लिए बट प्लेट मिला नहीं तो मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। वाह मजा आ गया, काफी टेस्टी था पराठा। घर पे खाने की बात ही कुछ अलग है। सुबह का नाश्ता तो एकदम मस्त हो गया, मैंने अच्छा सा 3-4 रोटी खा लिए। अब शाम के खाने के लिए भी कुछ रोटी बची है तो आज का दिन पूरा चल जाएगा। एंड कल वैसे भी हमें ट्रेन से उतरना है तो कल घर जाके मस्त मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। पे एंटर कर लिया है, अभी मैं पहुंच चुका हूँ सतना जंक्शन। ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम पे है, बस टाइम फटाफट नहीं जा रहा, बैठे बैठे कंटल आ रहा है। तो अभी मैं वापस ऊपर सोने आ गया हूँ। ना मैं स्टेशन के बाहर जा सकता हूँ क्योंकि लगेज भी देखना है और ज्यादा टाइम तक बैठ भी नहीं सकता क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा। तो सोचा कि ऊपर आकर सो जाता हूँ, तो फिलहाल अभी सोने आए हो। एक दो ना नमक कम डालना और तीखा बनाना थोड़ा। नहीं उसी में डाल दो ना छोटा छोटा काट के। आप काट लेना, वहाँ से खा लेना यार। नमक कम, नमक नमक कम ही है, देखो ना बिल्कुल कम है।8:22 इन द इवनिंग। सुबह से लेकर अभी तक मैं यहीं पे बैठा हुआ था, बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गया था। मैं नीचे जा सकता था बट मैं नीचे नहीं गया क्योंकि एक भैया आए थे, उनका टिकट कंफर्म नहीं था, उन्हें सीट नहीं मिली थी तो सोचा उन्हें सीट दे देता। तो भैया नीचे बैठे एंड सुबह से लेकर अभी तक मैं यहीं पे था। तो थोड़ी देर पहले अभी इटारसी स्टेशन आया था, सोचा बाहर जाता हूँ। तो बाहर जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और आधे घंटे के बाद फिर डिनर करेंगे, फिर डिनर करके सो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं सोया हूँ क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी थक गया था एंड अकेले रहकर मुझे काफ़ी बोरिंग लग रहा था। नेट भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ।